दोस्तों इंडिया में हमेशा से ही गाड़ियां एक स्टेटस सिंबल रही हैं। जितनी बड़ी आपके पास गाड़ी होगी सोसाइटी में उतनी बड़ी आपकी इज्जत होगी। और कुछ कंपनियों की कुछ गाड़ियां शान से बेची जाती हैं और लोग उसे इसलिए खरीदते हैं ताकि वो भीड़ से थोड़ा अलग दिख सके और सोसाइटी में उनका दबदबा बना रहे। तो आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गाड़ी बताएंगे जो पावरफुल लोगों की गाड़ी मानी जाती है और उसको लेने के बाद सोसाइटी में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है बेल आइकन को प्रेस करना। नंबर 5 पे आ जाती है होंडा ही वरना। वरना सिडान मार्केट की किंग मानी जाती है। वैसे इंडिया में सिडान का मार्केट खत्म होता जा रहा है, लेकिन इस गाड़ी को कोई परवाह नहीं। ये पहले भी शान से बिकती थी और अब भी शान से ही बिकती है। अब तो मार्केट में वरना का न्यू जनरेशन भी आ गया है, लेकिन उसकी डिजाइन बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोगों को नहीं पसंद आई। लेकिन पुरानी वरना की डिजाइन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी। और वरना में अब डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अपनी डीजल इंजन और अपने लुक्स की वजह से ही जानी जाती थी मार्केट में। वरना के इंजन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 113 bhp की पावर और 143 nm का टॉर्क जनरेट करेगा। अगर आपको वरना से और भी ज्यादा परफॉर्मेंस निकालनी है तो आपके लिए वरना ने पेश किया है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन से थोड़ा महंगा होगा। और होंडाई वरना की जो प्राइस है वो 10,90,000 से स्टार्ट होके 17,38,000 तक चली जाती है। सेकंड हमारी जो कार है वो है टाटा हैरियर। हैरियर को अगर हम मिडिल क्लास की रेंज रोवर कहें तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस गाड़ी में रेंज रोवर वाला प्लेटफॉर्म यूज किया गया है। हैरियर पावर, सेफ्टी और लग्जरी के मामले में बेहतरीन है। इसका डार्क एडिशन तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हैरियर के इंजन की बात करें तो 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp की पावर और 350 nm का टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है और इसमें आपको बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा और एडास फीचर। अगर हैरियर के एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो ये 15 लाख से स्टार्ट होकर 24 लाख तक चली जाती है। और थर्ड नंबर पे जो गाड़ी आती है वो मोस्ट फेवरेट SUV महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। ये SUV कितनी ज्यादा फेमस है ये बताने की जरूरत नहीं है। SUV जगत में इसने अपनी एक नई पहचान बनाई है। अगर इसके फीचर्स को देखें तो स्कॉर्पियो आपको 7-सीटर और 9-सीटर दोनों ऑप्शन में मिलती है। इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 130 bhp की पावर और 300 nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, S and S11। इसमें आपको ज्यादा फीचर तो नहीं मिलते, लेकिन काम के सारे फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। इसकी एक्सोरूम प्राइस जो है वो 11 लाख से स्टार्ट होकर 14 लाख तक जाती है। और फोर्थ नंबर पे आ जाती है नेताजी की आधिकारिक गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये कितने लोगों की ड्रीम कार है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये SUV इतनी फेमस है कि जहाँ भी आती है लोग समझ जाते हैं कि कोई पावरफुल इंसान जरूर आया होगा। फॉर्च्यूनर में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलता है। पहला 2.7 लीटर डीजल इंजन, जो 164 bhp की पावर और 345 nm का टॉर्क जनरेट करता है। और दूसरा 2.8 लीटर डीजल इंजन, जो 121 bhp की पावर और 420 nm का टॉर्क जनरेट करता है। और यही इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 500 nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इसकी प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से देखें तो इसमें ज्यादा तो फीचर नहीं मिलते, लेकिन इसमें काम के सारे फीचर मिल जाते हैं जिनसे आपका काम रुकेगा नहीं। और फॉर्च्यूनर की एक्सोरूम प्राइस 35 लाख से स्टार्ट होकर 45 लाख तक चली जाती है। और फिफ्थ नंबर पे जो कार आती है उसकी कंपनी को भी नहीं पता था कि ये कार इतना ज्यादा नाम कमाएगी। वो SUV है लोगों के दिल पे राज करने वाली महिंद्रा थार। फेमस होने के मामले में ये फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से पीछे नहीं रही है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है इसने। थार में 2 इंजन ऑप्शन मिलता है, एक 1.5 लीटर जो 4x2 के साथ आता है और दूसरा 2.1 लीटर जो 4x4 के साथ आता है। पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन थार में अवेलेबल है। ये एक ऑफ रोड SUV है। इसकी प्राइस 10 लाख से स्टार्ट होकर 17 लाख एक्सोरूम तक चली जाती है। इस वीडियो में हमने आपको 5 गाड़ियां बताई जिनकी रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा खतरनाक है, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है और ये गाड़ियां इंडिया की सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी मानी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।